करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जम्मू कश्मीर से आ रही। जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज में गोलीबारी की घटना हुई। आपको बता दें गोलीबारी में एक पुलिस कर्मी के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। प्रदीप दत्ता, और ज्यादा जानकारी दीजिए इस गोलीबारी के बारे में। देखिए यहाँ पे गैंग ऑपरेट करती है, शनू नाम की गैंग है, जिसको देख रेख वो वासुदेव करके गैंगस्टर है, वो उसकी अगुवाई करता है। और कल जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वासुदेव रामगढ़ के इलाके में, तो पुलिस इसको चेस करती है और ये भागता हुआ कठुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ जाता है, वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस की एक पार्टी थी, पुलिस की पार्टी इसे जिस तरीके से पकड़ने की कोशिश करती है, वहाँ पर गोलाबारी होती है और वहाँ पर फायरिंग होती है। फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी जो है वो जख्मी हो जाता है, लेकिन ये जो गैंगस्टर है वासुदेव, ये मारा जाता है, लेकिन वो पुलिसकर्मी भी आप शहीद हो गया, इन्फॉर्मेशन मिली है। एक दुखद खबर यह है कि आज उसका अंतिम संस्कार जो है उसके गांव सांबा में किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टर था, किस तरीके से ये जो वर्दी वाले जवान हैं अपने सीने पर गोली लेते हैं ताकि अमन मान रहे। मेरे ख्याल से जो लोग सियासत करते हैं उन्हें ये जरूर अपने ध्यान में एक बार रखनी चाहिए बात। बिल्कुल प्रदीप दत्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और जम्मू कश्मीर से ही अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें लोकसभा चुनाव से पहले सीमा पार से शांति भंग करने की कोशिश जो है वो फिलहाल तेज हो गई है। ड्रोन के जरिए बड़ी हथियार तस्करी पर विराम लगाते हुए जम्मू पुलिस ने आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया है।